Hey guys, welcome और welcome back to my channel and if you are new to my channel then my name is Preeti and guys आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ my morning skin care routine जो मैं ये 2022 से follow कर रही हूँ. It's almost 1 month now and इसने मुझे बहुत अच्छा result दिया है. Like मेरा जो acne का problem था वो बहुत हद तक कम किया इसने and also मेरा skin अभी winter के वजह से बहुत ज़्यादा dry and flaky हो रहा था तो उससे भी कम किया है. Like almost मेरा dryness तो मेरा फेस से चला ही गया. अभी बहुत ही स्किन सॉफ्ट एंड सपल लग रहा है एंड ऑल्सो गाइज मेरा जो थोड़ा सा एक्ने प्रॉब्लम था ना वो भी कहीं हद तक रिड्यूस हुआ है. सो अगर आप लोग का भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ड्राई एंड फ्लिकीनेस या फिर एक्ने प्रॉब्लम तो आप इस स्किन केयर को फॉलो कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज संडे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला पार्ट है फेस वॉश. तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के अपने फेस को वॉश करती हूँ. तो अपने फेस को वॉश करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे L'Orèals Goodness का नीम बम एंड बेसिल बम फेस वॉश. तो इसे मैं रिसेंटली यूज़ किया एंड मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. बहुत ही माइल्ड है एंड अपने जो स्किन है उसे बिल्कुल ड्राई नहीं करता. तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है एंड ऑल्सो गाइज ये जो फेस वॉश है ये हमारे एक्ने को बहुत हद तक रिड्यूस करता है एंड बिकॉज यहाँ पे बेसिल है एंड नीम है. बेसिल एंड नीम इज़ वेरी गुड इन्ग्रीडियंट फॉर पिम्पल्स. सो आप ज़रूर ट्राई करना. सो अभी मैं फेस वॉश करके आ गई एंड अभी मैं अपने एकदम लाइक नया धुला हुआ टॉप से अपना फेस को रब कर रही हूँ. हमेशा मैं अपने फेस को न्यूली वॉश्ड क्लोथ से ही करती हूँ एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे टोनर. तो टोनर के लिए मैंने लिया है यहाँ पे ग्रीन टी टोनर जो कि गुड वाइब्स का है. तो इससे मैं बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर लूँगी अपने फेस पे बिकॉज गाइस अभी हम लोग करेंगे अपने फेस को स्क्रब एंड स्क्रब करने से पहले मैं थोड़ा सा टोनर अप्लाई करना ज़्यादा पसंद करती हूँ. सो अभी मैं अपने टोनर को अच्छे से थोड़ा सा सुखाऊंगी. लाइक पूरा सुखाना नहीं है, हाफ वेट रखना है अपने फेस को. उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये एक्टिवेटेड चारकोल स्क्रब एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स एक्टिवेटेड चारकोल स्किन एक्सफोलिएटिंग स्क्रब. नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट एंड ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है हमारे स्किन के लिए. बहुत ही माइल्ड है, इसके जो ग्रैन्यूल्स है ना बहुत माइल्ड है तो आपके स्किन में लाइक ज़्यादा हार्श नहीं होगा. तो आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हो. ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पहले हमें टोनर अप्लाई कर लेना है ताकि ये अच्छे से हमारे स्किन में एक्सफोलिएट कर सके. सो अभी मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे रब करूँगी एंड नोज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि नोज़ एरिया में हम लोग का जो ब्लैक हेड्स एंड वो डेड स्किन सेल्स है ना ज़्यादा जमा होता है इसीलिए हमें नोज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड बहुत ही माइल्ड हैंड से करना चाहिए गाइस. बिल्कुल मतलब हार्श नहीं होना बिकॉज आप ज़्यादा हार्श हो गए ना तो आपका स्किन मतलब डैमेज हो सकता है या फिर आपके स्किन इरिटेट हो सकता है आपका स्किन. तो आप ट्राई करें कि बहुत ही मतलब माइल्ड होके करें एंड मैं फेस वॉश करके आ गई एंड फिर से मैं वही धुला हुआ साफ टॉप से मैं अपना फेस को लाइक पैड ड्राई करूँगी. आपको रगड़ना नहीं है अपने फेस में एंड उसके बाद मैं भी अप्लाई करूँगी बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायोक्लोव प्यूरिफाइंग एंटी ब्लेमिशेस फेस पैक. सो आप देख सकते हो गाइस ये है बायोटिक का फेस पैक. तो इफ़ यू आर फ्रॉम एक्ने प्रोन फैमिली दैन यू मस्ट हैव दिस प्रोडक्ट बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ये आपके जो पिम्पल्स है ना उसे बहुत हद तक रिड्यूस करता है एंड आपको बहुत अच्छा लगता है इसे लगाने के बाद एंड आपका फेस ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल लगता है गाइस. तो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड लाइक फेस पैक देन यू मस्ट हैव दिस क्योंकि अगर आपका एक्ने प्रोन या फिर ब्रेकआउट्स होते रहता है फ्रीक्वेंटली तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करना संडे लाइक एवरी संडे. तो अभी मेरा फेस हो गया ड्राई. अभी मैं क्या करूँगी एक टमेटो के हेल्प से अपने फेस को रब करूँगी. जब मेरा फेस पैक 15 मिनट्स तक रखने के बाद सूख जाएगा ना तो मैं एक स्लाइस ऑफ टमेटो लेके अपने फेस पे रब करूँगी उस वो जो ड्राई हो गया था उसे थोड़ा सा मतलब वो करने के लिए साफ़ करने के लिए. तो अभी वो अच्छे से हो गया. अभी मैं धुल के आ रही हूँ. सो गाइज़ मैंने अपने मैजिकल वे से अपने फेस को वॉश कर लिया. सो अभी मैं पैड ड्राई करूँगी अपने फेस को एंड आप लोग देख सकते हो गाइज़ मेरा स्किन कितना ज़्यादा लाइक प्लम्प एंड मतलब कितना ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, यू गाइस कैन सी। एंड आपको अच्छे से पैड ड्राई करके अपने फेस पे अप्लाई करना है टोनर। दिस इज़ अ ग्रीन टी टोनर अगेन। सो अभी मैं फिर से वही टोनर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने फेस में। एज यू गाइस कैन सी, टोनर बहुत अच्छा काम करता है। टोनर हमारे फेस को हाइड्रेटेड रखता है एंड ग्लोइंग भी रखता है। एंड आपको बहुत ही अच्छे से इसे सुखा लेना है। एंड आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा हाइड्रेटेड, प्लम्प एंड ग्लोई लग रहा है मेरा स्किन, यू गाइस कैन सी। एंड गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अप्लाई करना सिरम। एंड दिस इज़ अ फेशियल ऑयल मैं अप्लाई कर रही हूँ सिरम के बदले। सो ये ठंड है एंड यहाँ पे मेरा स्किन थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो इसीलिए मैं ये फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसका जो एक बॉटल था वो ख़त्म हो चुका है एंड दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसे एंड मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड गाइज आप लोग देख सकते हो मैं बहुत ही अच्छे से ये आलमंड ऑयल लगा रही हूँ। एंड अभी ठंड का टाइम है, सबका स्किन ड्राई हो गया, तो आप डेफिनेटली ये एक बार ट्राई कीजिएगा। एंड गाइस इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस में मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने लिया है ये पोन्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, तो आप लोग देख सकते हो गाइस। एंड आपको इसे बहुत ही अच्छे से रब कर लेना अपने फेस पे एंड थोड़ा सा हो सके तो आप थोड़ा सा मसाज कीजिएगा अपने फेस पे, तो ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा अपने स्किन में। एंड गाइज आपको ये 2 स्टेप तो करना ही करना है, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है स्किन, तो आपको इसका प्रॉपर केयर लेना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है अप्लाई करना सनस्क्रीन। एंड आई एम कन्फ्यूज़ कि मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करूँ, सो मैंने लास्ट में जाके ये न्यूट्रीजीना अल्ट्रा शीट ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50 अप्लाई किया। एंड यहाँ पे मेरे पास और दूसरा ऑप्शन जो था वो था एरोमा मैजिक का सनब्लॉक लोशन एंड इसमें है SPF 30 PA++। सो मैंने अप्लाई किया न्यूट्रीजीना का एंड बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लीजिए आप अपने फेस पे एंड आप अपने नेक में भी अप्लाई कर लीजिएगा, बिकॉज नेक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से अपना स्किन केयर कर लिया। सो गाइज यही था मेरा संडे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। सो संडे को अपना स्किन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैम्पर करना ज़रूर बनता है। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो पर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू ऑल।